हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आटा डोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे चार फ्लेवर में बनाया है और ये बहुत ही इजी और डिलीशियस भी है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज की रेसिपी भी आपको ईजी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो इस डोसा को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे और लगभग 10 से 11 डोसा बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, 1/4 चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डाल दें और 2 बड़े चम्मच इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी डालने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। डोसा का बैटर रेडी हो चुका है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर थोड़ा सा पतला होना ज़रूरी है ताकि जब हम इसे तवे पर स्प्रेड करें तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो चलिए अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टैंगी टमाटो डोसा। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और इसे हम ग्राइंडर जार में इस तरह से रफली चॉप करके डाल देंगे। 3 कलियाँ लहसुन की डालेंगे, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा रफली चॉप करके डाल देंगे और 1 ग्रीन चिली, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों का स्मूथ पेस्ट बना लें। तो ये सारी चीज़ों का स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो मैं अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये टमाटर का चटपटा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम टैंगी टमाटो डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए हम तवा यूज़ करेंगे और तवे को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इस पर इस तरह से पानी छिड़क दें और अब इसे एक कपड़े से या पेपर नैपकिन से क्लीन कर दें। और हाँ, फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखें। और ये आपका डोसा बनाने के लिए तवा अब रेडी हो चुका है। अब 1 स्पून भर के बैटर को तवे के बीच में डालें और इस तरह से बीच में हल्के हाथ से स्पून को रोटेट करते हुए स्प्रेड कर लें। और इस प्रोसेस को फास्ट फास्ट नहीं करना है आपको, इसी तरह से हल्के हाथ से करना है। ये देखिए, इस तरह से स्प्रेड कर लेने के बाद अब हम इसके चारों तरफ और थोड़ा सा बीच में ऑयल को ड्रिजल कर लेंगे। ऑयल की जगह पर आप चाहे तो बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके बीच में जो हमने टमाटर की चटनी तैयार की थी वो डाल देंगे। आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सबको मिलाते हुए डोसा के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो के बीच में रखा है। अब हम इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो हमारा टैंगी टमाटो डोसा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे तवे से इस तरह से निकाल लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी डोसा और सेम उसी बैटर से। ये मैंने ग्रीन चटनी ली है। इस ग्रीन चटनी की जो रेसिपी है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सेम प्रोसेस में बना लेते हैं। तो तवे को गर्म करने के बाद थोड़ा सा तेल डालें और इसके ऊपर पानी छिड़क करके इसे कपड़े से पोंछ दें और फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में कर दें। ध्यान रखें कि तवा बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब बैटर को तवे के बीच में इस तरह से डाल करके स्पून से घुमाते हुए हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर लें। अब फिर से ऑयल को बीच में और किनारों पर इस तरह से ड्रिजल कर दें। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 से 2 चम्मच ग्रीन चटनी और 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे टमाटो केचप। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हम डाल देते हैं इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए डोसे के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद अब हम इसे इसी तरह से पकने देंगे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक।
तो हमारा क्रिस्पी ग्रीन चटनी डोसा अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके निकाल लेंगे प्लेट में और इसे आप सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही यमी लगता है टोमेटो केचप के साथ, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम बनाएंगे गार्लिक डोसा जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसके लिए हमें चाहिए 40 ग्राम सॉल्टेड बटर, बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बारीक कटे हुए लहसुन और 1 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम गार्लिक डोसा बना लेते हैं। गार्लिक डोसा बनाने के लिए भी हमें सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा सा तेल डाल करके पानी छिड़क करके इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि तवे पर ज़्यादा ऑयल ना रहे। अगर तवे पर ऑयल रहेगा तो आप जब बैटर डालोगे तो बैटर को स्प्रेड करने में बहुत दिक्कत आएगी, और अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो भी आप जब बैटर को स्प्रेड करोगे तो बैटर अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। और अगर आप नॉनस्टिक तवा यूज़ कर रहे हैं तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी छिड़क के अच्छे से पोंछ लें और फिर बैटर डाल करके इस तरह से स्प्रेड कर लें। अब डोसा के साइड पर थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे और इसे बीच में नहीं लगाएंगे, बीच में हम बटर और गार्लिक का मिक्सचर इस तरह से स्प्रेड करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखें। अब इस पे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे इसी तरह से क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक पका लें। तो मेरा गार्लिक डोसा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये काफ़ी क्रिस्पी बना है, और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे ये बिना टमाटो केचप के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत पसंद आएगी आपको। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डोसा जो कि मुझे लगता है बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और इसे बनाने के लिए भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए तवा को तैयार करेंगे। अब हम सेम बैटर को तवे के बीच में डालेंगे और इस तरह से धीरे धीरे रोटेट करते हुए बैटर को अच्छे से स्प्रेड करके पिज़्ज़ा डोसा के लिए बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार हो गया, अब हम इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे, या आपको जितना पसंद है उतना डाल दें। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच बटर डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, या टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दें और इन सबको मिलाते हुए डोसा के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब को इस तरह से स्प्रिंकल कर दें और थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स भी इस पर डाल देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट किया हुआ मोज़ेरेला चीज़, आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं या चीज़ की स्लाइस भी डाल सकते हैं। और अब इस पर थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स डाल दें, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्पी गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। तो ये हमारा डिलीशियस पिज़्ज़ा डोसा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, या आप चाहें तो मेयोनीज के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आटा डोसा की ये जो 4 तरह की रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें से आपको कौन सी वाली रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई है आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आज की रेसिपी भी आपको ईजी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक ईजी डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।